नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। इस समय की सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं। कश्मीर घाटी में बीजेपी के एक और लीडर के ऊपर आतंकी हमला हुआ है। ये हमला बीजेपी के लीडर जो नौगांव इलाके से आते हैं अनवर खान, उनके घर के ऊपर ये हमला किया गया है। और हमले में उनका जो संतरी है रमीज राजा, वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ था और उसके बाद अपनी इंजरियों को कम करते हुए शहादत हासिल की है। एक और शहादत जो है वो कश्मीर घाटी में जो है देखने को मिल रही है। और ये समय जिस तरह से ये आतंकी हमले एक के बाद एक लगातार हो रहे हैं, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जिस तरह से काउंसिल ऑफ जो मेंबर ऑफ काउंसलर्स थे उनकी मीटिंग चल रही थी काउंसिल ऑफिस के अंदर, वहाँ पर उस ऑफिस के अंदर अटैक हुआ और वहाँ पर जो है एक काउंसलर समेत एक PSO को जो है वहाँ पर शहीद कर दिया था। और अब ये दूसरा इंसिडेंट जो है वो सामने आ रहा है, बीजेपी के जो एक लीडर हैं अनवर खान, उनके घर के बाहर घर पर जो है ये अटैक हुआ है। और जो जानकारी मिल रही है कि आतंकी जो संतरी की राइफल है उसको भी छीन कर जो है वहाँ से भाग चुके हैं। फिलहाल इलाके को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा हुआ है और वहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो चलाई जा रही है। कोशिश करेंगे हम इस पर जानकारी लेने के लिए अपने संवाददाता जो शेख इमरान हैं हमारे संवाददाता श्रीनगर में कि क्या कुछ जानकारी है। लेकिन बड़ी खबर जो है इस समय सामने आ रही है और इसके मुताबिक इस समय जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है अनवर खान के घर के ऊपर, और इसमें एक शहादत जो है वो हासिल की है, एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक संतरी है जो शहीद हुआ है इस समय। शेख इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, नौगांव में बीजेपी के लीडर अनवर खान के घर पर जिस तरह से ये हमला हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास आया है और क्या इसमें जो जानकारी मिल रही है कि एक संतरी जो गंभीर रूप से जख्मी था वो शहीद शहादत उसको हासिल हुई है और आतंकी उसका हथियार लेकर भी क्या फरार हो गए हैं? श्रीनगर का जो नौगांव इलाका है वहाँ पे अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स ने जो है एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी का जो एक लीडर है उनकी रेजिडेंसी के ऊपर अटैक किया था। उसमें जाके जो है और एक कॉप जो है वो जख्मी हुए थे। और सबसे पहले अगर आपको बता दूं कि आरीबाग नौगांव का इलाका है जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पड़ता है, और जो इसमें पुलिसमैन जो इंजर्ड बताए गए थे उनका नाम जो है रमीज राजा जो है बताया जा रहा है। उसके ऊपर बता दूं कि इस अटैक के द्वारा जो है वो इस अटैक में इंजर्ड हुए थे। और जो इस जगह पे जो जिस बीजेपी लीडर के ऊपर अटैक हुआ था मोहम्मद अनवर खान नाम से, जिनकी रेजिडेंसी जो है आरीबाग एरिया ऑफ श्रीनगर में है रमन। और शुरुआत में अगर आपको बता दे चलूं कि ये जो बीजेपी लीडर है इनकी रेजिडेंसी वहां पे, और उसके बाद ये जो कॉप इसमें इंजर्ड हुए थे, इंजरी की हालत में उनको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और एट द एंड ऑफ द मतलब हॉस्पिटल पहुंचाते जो है मेडिकल सुपरिंट जो SMHS के है डॉक्टर नजीम चौधरी, उनका कहना है कि जो ये जो कॉप इंजर्ड हुए थे इस अटैक में वो अपनी जिंदगी की जंग इस अटैक में हार चुके हैं रमन। तो ये एक बुरी खबर कह सकते हैं जो सामने आई है। इससे पहले भी अगर हमें देखा लगातार जो है ऐसी सारी स्थितियाँ देखने को मिली है रमन। इमरान, इससे पहले हमने देखा कि सोपोर में जिस तरह से काउंसिल ऑफिस पर अटैक किया गया, वहाँ पर जो फरीदा काउंसलर हैं जो BDC चेयरमैन हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, वहाँ पर भी एक जवान और एक काउंसलर की जो है शहादत होती है। और अब ये दूसरा इंसिडेंट जो है वो नौगांव इलाके में देखा जा रहा है, तो क्या ये माने कि दोबारा से आतंकवाद को कश्मीर घाटी में तेज़ी उसमें लाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है ताकि नेताओं के बीच में सुरक्षा बलों के बीच में खौफ पैदा किया जा सके? रमन, सबसे पहले अगर आपको बता दूं इस खान के हवाले से, सबसे पहले बता दूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के पर बारामूला और इंचार्ज है ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के। और रमन, जहां तक आपने इस अटैक के हवाले से बात करी कि इससे भी लगातार जो इससे पहले यहां पे लवेपुरा में एक अटैक देखने को मिला था सुरक्षा बलों के ऊपर, उससे पहले कुछ देर बाद ही जो है सोपोर का इलाका था जहाँ पे काउंसलर्स के ऊपर अटैक देखने को मिला था, और अब जाके बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जो बारामूला के लिए है जो इंचार्ज है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए, अब उनके ऊपर जो है अटैक देखने को मिला है। तो लगातार जो है मिलिटेंट्स के द्वारा अटैक देखने को मिल रहे, पिछले कुछ अगर इस मंथ की बात करें बैक टू बैक 3 अटैक्स देखने को मिले जिसमें जाके सुरक्षा बलों को भी नुकसान भुगतना पड़ा, और जिसमें जाके रिसेंटली इसी बीजेपी के जो है
काउंसलर्स के ऊपर सोपोर इलाके में अटैक हुआ और जो इसमें जाके दो जो काउंसलर्स है हलाक हुए थे रमन। तो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए लगातार इससे पहले भी जो है एनकाउंटर्स भी सामने आए थे जिसमें जाके डिफरेंट मिलिटेंट आउटफिट्स को भी जो झटका देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद भी अगर ये सारी स्थितियां होती है तो इसमें जाके सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती की खड़ी जरूरी चुनौती खड़ी हो सकती है। और अभी भी जाके लगातार जो है आईजीपी ने उसके बाद मीटिंग्स का भी रिव्यू ले लिया और उन्होंने ये भी इस बात की भी जिक्र करी थी कि सरप्राइज स्क्वाड्रन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे जिसमें जाके चूंकि मिलिटेंट आउटफिट्स की अगर बात करें लगातार ऐसे अटैक्स देखने को मिल रहे हैं चाहे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर चाहे सुरक्षा बलों के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं से हम जरूर कह सकते हैं कि एक चुनौती की घड़ी बन चुकी है सुरक्षा बलों के लिए। और इस प्रकार की चूंकि अगर एनकाउंटर्स के द्वारा अगर देखा जाए बहुत सारे हमने ऐसे अटैक्स भी देखे जिसमें जाके वो अटैक्स भी जो है एनकाउंटर में तब्दील होते थे और उसमें जाके डिफरेंट तंजीम के मिलिटेंट जो है ऑपरेशन मारे जाते। तो अब जिस तरह से ये जो नौगाम का अटैक हुआ है इमरान, इसमें उस संतरी की राइफल भी छीनने की बात जो है वो सामने आ रही है, तो क्या सुरक्षा बलों ने अब वहाँ उस इलाके का कॉर्डन किया है और उस आतंकी की तलाश जारी शुरू हो चुकी है? रमन, जैसे ही ये सुरक्षा बलों जैसे ही ये अटैक सामने आया था उसके भीतर ही कुछ वक्त बाद ही जो है पूरा इलाका जो है अंडर कॉर्डन लिया गया था। एंट्री और एक्सपर्ट जो है उस इलाके में सील कर दिए गए थे, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई थी और लगातार सुरक्षा बलों की कोशिश भी यही रहती है कि जैसे ये मिलिटेंट अटैक होता है उसके बाद जो है पूरा एरिया जो है उसको सैनिटाइज पर लगाया जाता है और तलाशी अभियान जो है लगातार चलाई जाती है। और इसके हवाले से ये देख रहा होगा रमन, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इन द इनिशियल रिपोर्ट की अगर देखा जाए बहुत सारे अटैक्स हमने ऐसे भी देखे मिलिटेंट्स के जिसमें जाके फिर वो अटैक जो है एनकाउंटर में तब्दील होते थे। और लेकिन इस अटैक की अगर बात करें ये पूरा नौगाम का इलाका जो है उसको सर्कुलर बेसिस पे पूरा सर्कल में जो है अंडर कॉर्डन लिया गया है, टू लेयर कॉर्डन लगा दिया गया और तलाशी लगातार जारी है। सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इन अटैकर्स को नैप किया जाए या कहीं से कहीं ना कहीं से वही स्थिति सामने आ जाए जो इससे पहले भी देखने को मिली है कि ऐसे अटैक्स जो है फिर एनकाउंटर में तब्दील होते थे। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। और रमन, जहां तक आपने राइफल स्नैचिंग की बात करी इसके हवाले से अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, कोशिश करेंगे जैसे आईजीपी कश्मीर या डीजीपी कश्मीर इसके हवाले से प्रेसर या स्टेटमेंट अपनी जारी करेंगे हम भी कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स तक कोई छोटी बड़ी अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही कुछ और अपडेट होती है हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये थे हमारे संवाददाता इमरान शेख जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से नौगाम के अंदर जो है एक घर के अंदर जो अनवर खान मोहम्मद अनवर खान का घर है, बीजेपी के लीडर हैं, उनके घर पर अटैक हुआ है और उनके संतरी की शहादत हासिल की है। अनवर खान तो इस हमले में बाल बाल बच गए हैं लेकिन संतरी को शहादत जो है वो देनी पड़ी है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू कर दी गई है। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।